न्यूज़ में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। एमआईएम के जिला प्रभारी डॉक्टर रहमान खान की जगह नए व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, ऐसी मांग गुरुवार 28 अक्टूबर को पत्रकार परिषद के माध्यम से एमआईएम के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों ने की है। बालापुर विधानसभा चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार रहे मजलिस के जिला प्रभारी अस्थि रोग तज्ञ डॉक्टर रहमान खान की जगह नए व्यक्ति की इस पद पर नियुक्ति करने की मांग गुरुवार 28 अक्टूबर को पत्रकार परिषद के माध्यम से एमआईएम के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों ने की है। स्थानीय विश्राम भवन में सम्पन्न पत्रकार परिषद में बालापुर नगर परिषद के पूर्व नगर अध्यक्ष, अखिल भारतीय मुस्लिम परिषद के अध्यक्ष तथा बालापुर शहर एमआईएम के अध्यक्ष फजलुर रहमान अंसारी, पूर्व विदर्भ कोर कमेटी सदस्य सैयद मोहसिन अली, अकोट शहर अध्यक्ष सैयद नफीज व अन्य पदाधिकारियों ने की। डॉक्टर रहमान खान ने मजलिस के किसी भी पदाधिकारियों को विश्वास में ना लेते अपने मनमानी ढंग से मजलिस को चलाकर मजलिस की प्रतिमा को चोट पहुंचाई है। इसलिए डॉक्टर रहमान खान की जगह सक्षम पदाधिकारियों की जिला प्रभारी पद पर नियुक्ति करे, अन्यथा 30 अक्टूबर को औरंगाबाद में हो रहे मजलिस की बैठक में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सामने मजलिस के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी सामूहिक मुंडन कर अपना रोष व्यक्त करेंगे, ऐसा इशारा एमआईएम के इस पदाधिकारी वर्ग ने दिया है। अकोला 24 न्यूज़ के लिए इमरान अहमद की रिपोर्ट। आज जो आपने पत्रकार परिषद ली, उसका उद्देश्य क्या है? आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिस्ट्रिक्ट के आजी माजी पदाधिकारी ने मिलकर जो अकोला जिला में मजलिस की बहुत बुरी हालत होने की वजह से दुर्दशा बहुत बेकार हो चुकी है, और इसकी वजह जो है, जब से डॉक्टर रहमान खान को अकोला ज़िला में जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी को उन्होंने आज तक के पार नहीं पाड़ा। ज़िला के अंदर आज तक ज़िला लेवल पर कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलावा नहीं हुआ। आज 9 महीने हो चुके हैं, उसके बाद ज़िला के अंदर जितने तालुका और शहर है उनको भी कोई काम दिया नहीं गया और उनके भी कोई मीटिंग नहीं ली गई। उसके बाद में हर तालुका और शहर के अंदर अध्यक्ष होने के बावजूद कार्याध्यक्ष नियुक्त की गई, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके बावजूद भी इन्होंने अकोला ज़िला में 2 गुट पैदा किए। हमने ये जो इनकी डॉक्टर रहमान की अकोला ज़िला प्रभारी पद के ऊपर जो नियुक्ति की गई, ये खुद होकर के इन्होंने नहीं लिया, बल्कि इनको ज़िला के और दिगर पार्टियों के लोगों ने मजबूर करके ये पद लेने लगाए, जिसका हमारे पास में प्रूफ है। और ये प्रूफ जो है एक फ़ोटो की शक्ल में, जिस वक्त उन्होंने प्रभारी पद लिया वो मौजूद है, के इम्तियाज़ जलील साहब के साथ में जब डॉक्टर रहमान ने ये पद का लेटर लिया, उसके सामने साथ में जो लोग हैं वो इस पार्टी के नहीं हैं, क्योंकि वो पार्टी में नया प्रवेश नहीं ले रहे थे, बल्कि वो जो है पार्टी के अंदर पद लाने के लिए गए थे। दूसरी पार्टियों के लोग साथ में थे, एमआईएम के लोग साथ में नहीं थे, और ये साजिश का हिस्सा है। डॉक्टर रहमान को प्रभारी पद मिलना लेना ये एक साजिश का हिस्सा है, जिसकी नतीजा महानगर पालिका और नगर पालिका के पूरे डिस्ट्रिक्ट में नतीजे आएंगे, वो दिखाई देंगे। और ये पहली बार ऐसा हमने देखा कि एक पार्टी का लीडर जो है या नेता जो है वो दूसरी पार्टियों को टारगेट करता। यहाँ पर डॉक्टर खान ने मजलिस के ही पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को टारगेट किया और उनके ऊपर ही कार्रवाई कर रहे हैं। आज की ये पत्रकार परिषद में हमें जो है दूसरी इस बात से महाराज अध्यक्ष जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और कार्याध्यक्ष गफ्फार कादरी साहब और सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अलहाज बरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमें उनको ये बताना है पत्रकार परिषद से कि डॉक्टर रहमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम जो है तो वो इंतशारुल मुस्लिमीन कर दे रहे हैं और इन्हें इस पद से हटाया जाए।
जो कि मजलिस के साथ एक धोखे की राजनीति डॉक्टर रहमान साहब कर रहे हैं, ऐसा हमें महसूस हो रहा है पूरे ज़िले के अंदर। इसलिए हम आला हमारे जिम्मेदारान से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इन्हें जिम्मेदारी से हटाए और मजलिस को बचाए। इस पद के लिए आपने किसको और ठहराया? नहीं, हमने इसके लिए हमारे राष्ट्रीय हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब से कहा कि आप एक वफाद भेजिए, वो सर्वे करेंगे, हम लोगों से मालूम लेंगा और जो है तो तमाम जो ज़िले के अंदर अलग अलग तंजीमें हैं, जो उलमाए कराम हैं और जिम्मेदारान हैं, सोशल वर्कर हैं और पॉलिटिशियन लीडर रहा हैं, इनसे एक मशवरा करके आप अपनी टीम भेजिए और उसके बाद नियुक्त कीजिए।